नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और सीरीज का आखिरी वनडे मैच हो रहा है, जिसमें भारत की पारी 252 पर सिमट चुकी है और भारत के 10 विकेट गिर चुके हैं। चलिए इन 10 विकेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत का यह फैसला गलत साबित नजर होता हुआ आया, जब भारत का स्कोर सिर्फ 8 रन था। रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगा। अब भारत को दूसरा झटका बहुत ही जल्द लगा, जब भारत का स्कोर सिर्फ 12 रन था और शिखर धवन के रूप में लगा, जिन्होंने सिर्फ 6 रन का योगदान दिया। एक बार फिर से शुभम गिल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिस सिर्फ 11 बॉल पे 7 रन बनाए। उस समय भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था। इस मैच में महेंद्र सिंह शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। अब भारत को महेंद्र सिंह धोनी के रूप में चौथा झटका सिर्फ 18 रन पर लग गया था। अब भारत के शुरुआती 4 विकेट सिर्फ 18 रन पर गिर गए थे। उस समय विजय शंकर और रायडू ने शानदार साझेदारी की और भारत को स्कोर 116 रन तक पहुंचाया। भारत को पांचवा झटका विजय शंकर के रूप में लगा 116 रन पर। अब विजय शंकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 बॉल पर 45 बनाए और जिसमें 4 चौके सबसे रन आउट हो गए। भारत को छठा झटका अंबाती रायडू के रूप में लगा, जिन्होंने अंबाती रायडू ने केदार यादव के साथ फिर से अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को स्कोर 190 तक पहुंचाया। अब भारत को छठे विकेट के रूप में अंबाती रायडू के रूप में लगा। अंबाती रायडू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 113 बॉल पे 90 रन बनाए, जिसमें 4 गगनचुम्बी छक्के और 8 चौके शामिल थे। भारत को सातवां झटका केदार यादव के रूप में लगा, जो समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत का स्कोर सिर्फ 203 रन था। और केदार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। आखिरी में हार्दिक पांडे ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 22 बॉल पर 45 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसमें 5 गगनचुम्बी छक्के और 2 चौके शामिल थे। और हार्दिक पांड्या के रूप में भारत को आठवां झटका लगा और भारत का स्कोर उस समय 248 रन था और सिर्फ 1 ओवर बाकी था। बसव कुमार के रूप में लगा, जिन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए और भारत का स्कोर उस समय 252 रन था। भारत का आखिरी झटका मोहम्मद शमी के रूप में लगा, जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए और आखिरी रन आउट होके चलते बने। और भारत इस तरह 252 पर सिमट चुकी। हम लोग अब देखना है कि क्या भारत इस पारी 252 को सेफ कर पाती है कि नहीं। तो ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए, भूलिएगा नहीं, क्यों ताकि सबसे पहले न्यू अपडेट आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।